बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी आगाज़। तो सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ अहमदुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो चलिए शुरू कर। तो भाई साहब अभी टाइम हो रहा है 2:40, तो मेरी जोहर की नमाज रह गई हुई है। तो चलिए अभी नमाज पढ़ने चलते हैं। जोहर की लेट हो गई हुई थी, मैं चला गया था फरहान भाई के साथ साथ वाले टाउन, तो अभी आया था वापस। तो चलिए नमाज पढ़ने चलते हैं। तुम मस्जिद में शायद ना उसका पत्थर की रगड़ाई का काम हो रहा है, अभी आपको अभी दिखाते हैं, पहले नमाज अदा करेंगे। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमती का। हाल देख सकते हैं मस्जिद का, ठगराई हो रही है। तो भाई सब नमाज मैंने पढ़ ली है, इधर ही साइड पे ना, एक साइड पे इधर पड़ी हुई थी चादर, सूखी जगह थी तो उधर हमने नमाज पढ़ी है। और ये हाल आप देख सकते हैं मस्जिद का। ये अंकल लगे हुए हैं मस्जिद में। ये मशीन है जो लगाई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह पैक कर सकते हैं नीचे से कितना सा पत्थर निकला। तो भाई साहब अभी ना नमाज पढ़ के हम आ गए हैं, असर का टाइम हो रहा था और जोर की नमाज पढ़ के भी मैं चला गया था। अभी आप आवाज़ सुन रहे होंगे, आवाज़ आ रही है मस्जिद में से, रगड़ाई हो रही है पत्थर की, आपको दिखाई दिया वीडियो। और ये है उस्मान भाई, स्नैन वाला जी, सदर साहब, शानी भाई। अभी उस्मान भाई मुझे मास्टर क्लास देंगे जी थंबनेल की। नहीं देनी इधर, वे नहीं बना देना थंबनेल, प्रीमियम है, प्रीमियम पे करना। हम जा रहे हैं उस्मान भाई के साथ अड्डे पे, चाचू की आई हुई थी कॉल, उस्मान भाई के चाचू ने ना लिया हुआ है चाचू के स्टोर से सोदा मंथ का, तो अभी जा रहे हैं उनसे 100 रुपये सोदा लेने। चलो सर। तो भाई साहब मैंने गलत बता दिया, मंथली ग्रोसरी नहीं थी वो, कल उस्मान भाई के दादा अबू का 40 है, तो उसके जो चीज़ें हैं ना देख में लगनी है वो लेने जा रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। तो भाई सब स्टोर पे हम पहुंच गए हैं। ये वो तोड़ा, ये बच्चा। A few moments later, भाई सब शानी भाई ने दो पंप सुटे ने, तो शानी भाई लैक देने लगे ने जी गंडेरियां। असा इथे की करना बहुता तां दस आइयो फिर शानी साहब। शानी साहब आइयो तो सी। नमक भी लगवा लिया भाई, सो स्वीट की आखा दौड़ लाइए तेरा कोई काम नहीं। नेक्स्ट डे। तो भाई साहब अभी हम सारे कज़न जा रहे हैं जी कब्रिस्तान। कब्रिस्तान किस लिए जा रहे हैं अभी आपको वहाँ जा कर बताते हैं, शाम का वक्त हो रहा है, तो चलिए अभी आपको उधर ही जा कर दिखाते हैं। ये हमारा सामने कब्रिस्तान है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। इधर हमारे गाँव की कपड़े और हमारे गाँव की कबूरी जा करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जा कर हरियाली। तो अभी हम आए हैं जी कब्रिस्तान। कब्रिस्तान किस लिए आए हैं, नेक्स्ट डे है आज, तो आज था उस्मान भाई के दादा का 40वां, और ना जो दादा उस्मान भाई के दादा की कब्र है ना उधर लगानी थी तख्ती, तो वो तख्ती बनवाई हुई है। तो चलिए अभी जाके लगाते हैं। ये हमारे होंगे कपड़े कब्रिस्तान। अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर, अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर। वो ऊपर हमारे बाबा जी दादा की कब्रें हैं। तो
यहाँ आके बंदे को पता चलता है कि बंदे की क्या हैसियत है, बंदा क्या चीज़ है। एक दिन हमने भी इधर ही आने, तो कोशिश करें मौत से पहले मौत की तैयारी करें ताकि आप कब्र के अजाब से बच सकें, ताकि आपकी कब्र भी जन्नत के बागों में से एक बाग बन सके। ये है जी कब्र उस्मान भाई दादाबू की, सदर साहब की यहाँ लगानी है ये वाली तख्ती। और ये है जी हमारे अबाऊ अजदाद की सारों की कब्रें, सारी हमारे अबाऊ अजदाद की कब्रें। सही है थे अच्छे से ही। तो भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमने तख्ती लगा दिया और दुआ भी कर लिया, तो कोशिश करें तमाम अहबाब ना मौत से पहले मौत की तैयारी करें, नमाज पढ़ा करें और अच्छे अमाल किया करें। तो अभी ना असर की अजान भी हो गया इधर ही, हमें जाके नमाज पढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि पत्थर की रगड़ाई का काम कहाँ कैसे कहाँ तक पहुँचा है और हम ना किधर नमाज पढ़ते हैं। हमने नमाज के लिए भी जगह बना दी उधर ही अंदर ही, एक दो साफ ना उन्होंने आज रगड़ाई नहीं की, जोहर की उधर पड़ी थी और अभी असर की जाके देखते हैं कि उधर जगह है कि नहीं। A few moments later. तो भाई साहब कब्रिस्तान से हम वापस आ गए हैं, अभी 9 मिनट हो गए हुए हैं नमाज की जमात हुए अभी, तो 4:30 होती है, हम अभी टाइम हो रहा है 4:40 का, तो जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब अबी रहमती का। तो भाई साहब ये है मस्जिद की हालत, और वो हमने रास्ता बनाया हुआ है इधर से नमाज पढ़ने का जाते हैं। तो भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज भी अदा कर रहे हैं, आपने देखा होगा मस्जिद में ना उन्होंने अगली सफ़ों में ना कल रगड़ाई की है थोड़ी सी, तो आज उन्होंने जगह बना दिया कि मस्जिद में ना आप सर्वाइव कर सकें। रात को भी अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज़ भी उधर ही अदा की थी और फजर की भी नमाज़ भी उधर ही अगली सफ़ों पे अदा की थी, अभी वो कर रहे हैं पिछली सफ़ों की रगड़ाई। तो कह रहे थे कि एक हफ्ते तक ना काम मुकम्मल हो जाएगा, चाचू बता रहे थे हमें। तो अभी चलते हैं शाम भाई दुकान पर, उधर जाके करते हैं ब्लॉक एंड ब्लॉक, काफ़ी लंबा और है। तो अभी करते हैं इस व्लॉग को एंड आपको एक अच्छी सी हदीस मुबारक बता के जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि जब उससे गुनाह हो जाए तो कसरत से तौबा करे, तो जब अगर किसी से गलती से गुनाह हो जाए तो उस पर नादम हो जाएँ और कसरत से उस पर तौबा कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। बहुत सारी दुआओं के साथ अहमदुल्ला को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और नमाज कायम कीजिएगा और एक दूसरे का एहसास कीजिएगा। बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।